लीजिए, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ 12th फिजिक्स का पहला मॉडल प्रैक्टिस पेपर लेकर 2022 का। बहुत आईएमपी प्रश्नों से सुसज्जित है और जो नया ब्लूप्रिंट है हमारा 70 अंकों का, उसी के आधार पर ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर हमने तैयार किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में 40% ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आने वाले हैं, मतलब 28 अंक, 7 चौक 28, 40% 28 होगा। तो 28 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आएंगे जिसमें 7 बहुविकल्पी प्रश्न, 7 रिक्त स्थान, 7 एक वाक्य में उत्तर और 7 सही जोड़ी। तो इस तरीके से 28 प्रश्न आपके ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। अब इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा स्थिर विद्युत यूनिट 1 है उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, धारा विद्युत यूनिट 2 में से 2 ऑब्जेक्टिव, यूनिट 3 धारा का चुंबकीय प्रभाव 3 ऑब्जेक्टिव, यूनिट 4 प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा से 5 ऑब्जेक्टिव, यूनिट 5 तरंगों से 4 ऑब्जेक्टिव, यूनिट 6 किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी से 7 ऑब्जेक्टिव, यूनिट 7 दृश्य विकिरण से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और यूनिट 8 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से 3 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट मी स्टार्ट, हम शुरू करते हैं इन 28 ऑब्जेक्टिव को। आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये आपका E=1/4πε0Q/r² होता है, तो उस दृष्टि से आपका आंसर होना चाहिए E=1/r². धारा घनत्व का SI मात्रक, धारा घनत्व होता है धारा बटे क्षेत्रफल, तो J=, होता है I/A, तो धारा का हो गया एम्पियर और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, और ध्यान रखिए हेनरी से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो याद रखने वाली बात है ना, ये इसको हमेशा ध्यान रखिए। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, और एम्पियर मीटर स्क्वायर ये आपके जो है आप जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, तो इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा वेबर। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, और वो होती है रेडियो तरंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। F1 और F2 फोकस दूरी के संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त तो फोकस दूरी होगी F1 F2/F1+F2, और प्रकाश का रंग ज्ञात किया जा सकता है उसकी आवृत्ति से। तो इस प्रकार से हमारे ये उत्तर बनेंगे जो मैंने डॉटेड से आपको यहाँ पर बताए हैं। तो बिल्कुल आप ये 7 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए बहुविकल्पी प्रश्नों में। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हमारे नेक्स्ट टाइप के जो ऑब्जेक्टिव है 7 ऑब्जेक्टिव, वो है रिक्त स्थान। धातुओं में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है आपको पता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। प्रेरण प्रतिघात, धारिती प्रतिघात या प्रतिबाधा, सबका SI मात्रक वही होता है जो प्रतिरोध का होता है, मतलब ओम होता है। 2 समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उनमें आकर्षण बल लगेगा, अगर यह विपरीत दिशा होता तो प्रतिकर्षण होता। तरंगे अपने साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, अगर तरंग सिद्धांत बोले तो आप हाइगन कहिएगा, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी हाइगन है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये 7 रिक्त स्थान के प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत शानदार काम आने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट आपका रहेगा एक वाक्य में उत्तर, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में क्या संबंध है। तो ये जो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है E=hν, यही विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध है, जहाँ एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान 6.6×10⁻¹⁴ जूल सेकंड होता है, और न्यू आपतित विकिरण की आवृत्ति होती है। तो एच का मान भी याद कर लीजिएगा आप, 6.6×10⁻³⁴ जूल सेकंड। द्रव्य तरंगे या डी ब्रोकली तरंगे किसे कहते हैं, कि हर एक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोकली तरंग कहते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अगर यहाँ अमीटर लिखा होता है यहाँ शून्य कर दीजिएगा। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पी आता है तो आप होल्स लिखेंगे। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दें तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, और पीएन संधि क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है, पी प्रकार के अर्धचालकों और एन प्रकार के अर्धचालकों को एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ देते हैं, तो पी और एन वालों को जब हम जोड़ते हैं तो वो एक डायोड की तरह काम करने लगती है, तो इसे हम पीएन संधि डायोड या पीएन संधि कहते हैं। चलिए हमारा सही जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज, अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये इसीलिए मैंने दोनों तीनों एक साथ रख दी है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने की थी, और धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की थी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में,
लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा जो है डायोप्टर होता है, और वो क्षमता होती है 1/फोकस दूरी, तो ये 1/f हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा पर बने हुए उपकरण जो है धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, नॉट गेट को हम व्युत्क्रमक गेट बोलते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और जो हमारी गामा किरणें होती है वो गामा किरणों की खोज बेकुरेल ने की थी। तो इस तरीके से ये आपके सही जोड़ी मिलाने वाले ऑब्जेक्टिव्स इस पैटर्न पर आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट अब हमारा होगा, अब हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आपके 5 से लेकर 12 तक के जो प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र के अंदर, वो 2 अंक के होंगे। मतलब वो जो आपके जो प्रश्न होंगे वो 8 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, और 16 अंक उसमें होंगे। और इसके अंदर 2-2 अंकों में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक प्रश्न आपका धारा विद्युत से रहेगा, आपका यूनिट 2 से, जो कि मैंने यहाँ लिया है कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, और उसके अथवा में लिया अनुगमन वेग किसे कहते हैं। एक प्रश्न आपका रहेगा यूनिट 3 से, धारा के चुंबकीय प्रभाव से। यहाँ मैंने प्रश्न लिया है कि धारामापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं, या धारामापी की कुंडली एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर क्यों बनाई जाती है। फिर आपका जो एक और प्रश्न जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से, मैंने यहाँ लिया है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर, और पावर धारा है क्या है इसके अथवा में। फिर आपका तरंगों से, उसके बाद प्रकाशिकी से आपके 2 प्रश्न रहेंगे। तो प्रकाशिकी से 2 प्रश्न मैंने कौन कौन से लिए, देखिए तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए अथवा तरंगाग्र किसे कहते हैं, और एक मैंने यहाँ लिया है कला संबंधी स्रोत किसे कहते हैं, और इसके अथवा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है इसकी शर्तें लिखिए। फिर उसके बाद विकिरण की द्वैती प्रकृति से 1 प्रश्न रहेगा, जो मैंने यहाँ आपके लिए लिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, या द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता, इसको भी शामिल किया है। फिर उसके बाद में आपका जो 1 प्रश्न आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से, जो कि आपका आखिरी 8वीं यूनिट है, इससे मैंने लिया है सौर सेल किसे कहते हैं, और एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। और एक और अंतिम प्रश्न मैंने जो लिया है वो है स्थिर विद्युत से, जो कि आपकी 1वीं यूनिट है, कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो इस प्रकार से ये 2-2 अंक के 8 प्रश्न, 16 अंक ये आपके 5 से 12 तक पेपर में आपको दिखाई देंगे, और मैंने बता भी दिया कि किन किन यूनिट से ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो सामने लिखे हैं। चलिए अभी इसमें मॉडल सेकंड प्रैक्टिस पेपर लिखा, एक्चुअली इट इज फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर, सेकंड प्रैक्टिस पेपर में बहुत जल्दी आपको अवेलेबल कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट लीजिए, आगे बढ़ते हैं कि सेल। अब देखिए 13 से 16 तक प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 और 16 ये 3 अंक के रहेंगे, मतलब 4 प्रश्न 12 अंक तो इसमें मैंने शामिल किया 13वें में। देखिए अब 3 अंक का प्रश्न एक धारा विद्युत से, तो मैंने इसको शामिल किया। 3-3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे धारा विद्युत से, तो ये दोनों प्रश्न देखिए 13वां और 14वां मैंने यूनिट 2 से लिया है धारा विद्युत से। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये किन बातों पर निर्भर करता है, अथवा विभव मापी का सिद्धांत लिखिए। और एक और प्रश्न लिया, सेलों का श्रेणी क्रम संबोधन लीजिए, बताइए यह कब लाभप्रद होता है, और किरचॉफ के नियमों को लिखिए। तो ये 2-3-3 अंक के प्रश्न हो गए, ठीक है। अब ये धारा विद्युत से हो गए। फिर एक प्रश्न लिया है 3 अंक का हमने लिया है प्रकाशिकी से, प्रकाशिकी मतलब आपकी यूनिट 6 तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। फ्रिंज चौड़ाई क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, अथवा व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्तें लिखिए। फिर एक और प्रश्न हमारा बना है 3 अंक का धारा का चुंबकीय प्रभाव से, तो इसमें बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और एम्पियर को परिभाषित कीजिए, या शंट क्या है इसका सिद्धांत लिखिए। तो इस प्रकार से ये आपके 4 प्रश्न 3-3 अंकों का आएंगे, और एक प्रश्न प्रश्न पत्र में 4 अंक का भी आएगा, और वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से। तो वो मैंने प्रश्न लिया है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से, कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि और सचित्र समझाना, अथवा सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं, जो नॉर नैंड गेट है, उनके संकेत, सत्यता सारणी और बुलियन समीकरण लिखना। तो ये एक 4 अंक का प्रश्न भी एग्जाम में संभावित है। अब इसके बाद मैंने प्लान किया है एक मतलब 5-5 नंबर के भी आपके 2 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक आपके 18 और 19 रहेंगे, आप उन्हें भी देख लीजिए। ये पहला मॉडल प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप सॉल्व कीजिए, सप्ताह भर 10 दिन में मैं दूसरा पेपर अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन पहले ये पूरा पूरा सॉल्व कीजिए और पूरे अंक लाने का इसमें प्रयास कीजिए। अगर आपको इसके आंसर्स नहीं मिलते हैं, आप चैनल पर जाइए और यूनिट वाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको ढूंढ लीजिए, सारे आंसर्स आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे और आदर्श उत्तर मिलेंगे पूरे में से पूरे अंक लाने जैसे। तो चलिए अब आपके पास 5-5 अंक के 2 प्रश्न, और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 अंक के 2 प्रश्न, ये प्रश्न होंगे हमारे एक तो स्थिर विद्युत से, 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा, और एक 5 अंक का हमारा प्रश्न रहेगा अपने प्रत्यावर्ती धारा से। तो स्थिर विद्युत से मैंने प्रश्न उठाया अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या इसके अथवा में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से। और यूनिट जो हमारी 4 है प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इससे मैंने लिया है ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए,
या इसके अथवा में लिया लेंज का नियम लिखिए और बताइए कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो ये दो अंक, दो प्रश्न आपके पांच पांच अंक के हो जाएंगे। तो इस तरीके से दो प्रश्न आपके जो दो दो अंक के आठ प्रश्न होंगे, 16, तीन तीन अंक के चार, 12, चार अंक का एक चार, और पांच अंक के दो 10, कुल मिलाकर 28 ऑब्जेक्टिव के साथ ये 70 नंबर का पेपर बनेगा। ये पहला मॉडल प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करा दिया है, दूसरा बहुत जल्दी कराऊंगा, लेकिन तब तक आपको इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना है। चैनल की मदद से सारे आंसर्स आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।